ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो इन दिस लेक्चर, इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर यूनिट नंबर थर्ड, द मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। सो वी विल ट्राई टू फिनिश दिस यूनिट टुडे। ओके, कल मैंने आप लोगों के इसकी फाइल भी सेंड की थी, या जो फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, वही मैंने सेंड की थी। तो आप लोगों को मिल गई थी ना जोहेब कल वाला फाइल, यस जिस सर, मिल गई थी। गुड गुड, वही बस अपने पास रख के प्रिंट करके, या वहाँ से आप लोग ट्रांसलेशन नोटबुक पे उतारते, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। वेरी वो बार बार आप लोगों को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं आएगी। ओके, सो वहाँ से आप लोग कर ले। सर अच्छा वैसे हमने कॉपीज में भी लिखी है ट्रांसलेशन। जी, आज जिसने लिखी है तो देट्स वेरी गुड। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, असनैन कल आप क्लास में थे, तो कल क्लास में हमने मीडिया के हवाले से क्या पढ़ा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मैंने सलाम। क्लास में नहीं था। आप नहीं थे कल? नो ओके, तो आप क्लास, अच्छा कल के लेक्चर में, यस्टरडे लेक्चर हमने जो पढ़ा था वो ये था कि व्हाट इज द मेन फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। सो मीडिया परफॉर्म मेनी फंक्शंस। ओके, इट शोज, इट प्रोवाइड्स एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन। ओके, इट हाईलाइट द डिफरेंट इशू इन द सोसाइटी। सो देयर आर डिफरेंट फंक्शन। तो हमने मीडिया के फंक्शन के बारे में पढ़ा था। देन वी हैव स्टडी द टाइप्स ऑफ फंक्शन, द टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द अदर वन इज प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स टीवी, रेडियो, टेलीविजन, दीज थिंग, वाइल प्रिंट मीडिया इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स। ओके, कल हम यही पढ़ रहे थे। एक डिस्कशन हो रही थी एक टीचर के, मिस आयशा इन बिटवीन अमंग बिटवीन मिस आयशा इन हर स्टूडेंट्स। ओके, ऑन द टॉपिक अपडेट, व्हाट इज द मीडिया, मीडिया इन इट्स रोल, इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। एक डिस्कशन क्लास थी। ओके, सो डिफरेंट स्टूडेंट वर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बट जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बट जस्ट अ मिनट। ओके, सो दिस पैराग्राफ ये कहता है कि टीचर गुड। अच्छा, इससे पहले जो स्टूडेंट नंबर थर्ड, स्टूडेंट थर्ड क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। ओके, कल हम यही पढ़ रहे थे। ओके सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये है कि कह रहे कि टीचर, तो आगे से टीचर मिस आयशा शी सेज दैट गुड। अच्छा, इट्स थ्रू मीडिया दैट्स द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। ओके, अ ग्लोबल विलेज कहते हैं कि मीडिया की वजह से, यानी मीडिया की वजह से दुनिया एक अलमी गांव में बदल गई है। ओके, ग्लोबल विलेज का मतलब है ना कि थ्रू मीडिया, थ्रू अभी देखे ना, अलमी गांव का मतलब ये है कि बेटा मीडिया के जरिए है जो दुनिया है एक ग्लोबल विलेज, एक बिल्कुल ग्लोबल विलेज में क्या होता है, लोगों को एक दूसरे की मतलब दे नो अबाउट देम सेल्व्स। ओके, व्हाट्स गोइंग इन अ स्मॉल विलेज, दे नो अबाउट देम सेल्व्स। दुनिया अगर आप देख ले अभी दुनिया की, इफ एनीथिंग What happens in any corner of the world, so we come to know about media. Okay, we come to know about media के जरिए हमें पता चल जाता है। So we say that media has changed the world into a global village. There is coverage of all the important events of the world on television. कहता है कि टेलीविजन दुनिया के तमाम अहम वाकयात का अहाता करते, कोई भी चैनल किस चीज के बारे में आप सुनना चाहते हैं, सो यू कैन ओपन एनी चैनल
और आप दुनिया के बारे में जान सकते हो. ओके, सो वी कैन से दैट टेलीविजन टेल अस दैट अबाउट ऑल द इवेंट्स, ऑल द हैपनिंग, व्हाट आर हैपनिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वी कम टू नो थ्रू टेलीविजन. वी कैन हैव एन इजी एक्सेस. एक्सेस कहते हैं रसाई को, कहते हैं हम कहते हैं ना हाउ टू गेट एक्सेस. एक्सेस मीन रसाई. वी कैन हैव एन इजी एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया. यानी हम मीडिया के जरिए हर किस्म की मालूमात तक आसानी रसाई हासिल कर सकते हैं. ओके, यानी वी कैन से दैट वी कैन गेट अलर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया. ओके, नाउ स्टूडेंट नंबर फोर्थ. नाउ अनदर स्टूडेंट वांट टू से समथिंग. कहते हैं कैन वी से दैट द वर्ल्ड हैज जस्ट अ क्लिक अवे. कहते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक क्लिक के दूरी पर है. व्हाट डज इट मीन क्लिक दूरी का मतलब ये है कि बेटा जस्ट अ मिनट हमाद यस हमाद वुड यू लाइक टू से समथिंग. सजी आप स्कूल में? नहीं नहीं मैं इधर ही हूँ स्कूल. हम आज जो थोड़े से हालात खराब थे इसी वजह से हम नहीं आ रहे ना. इंशाल्लाह कल से आएंगे. अच्छा वो सजी वो मैंने पूछना था वो केमिस्ट्री की क्लास नहीं लगी थी इसी वजह से पूछ रहा था. हाँ हाँ मैं नहीं केमिस्ट्री के सर रेहान पढ़ा रहे हैं ना. जी सर. हाँ वो मुझे नहीं पता बट हम इंशाल्लाह कल से स्कूल आएंगे. ओके मैं घर से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है सर. ओके ओके सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम्स यू कैन से मी. ओके so student 4 okay, said that can we say that the world is just a click away. kya hum keh sakte hain ki duniya sirf ek click ke doori par hai. iska matlab ye hai ki click ka matlab ye hai ki aap bas tv on kare to aapko you will come to know about things in the world. okay teacher maybe well would any other student like to say something on it. suppose main keh raha hu would you like to say something about this topic. is there any student who wants to say something. yani ustad kehte shayad bahut acha bahut khoob shabas. kya koi aur talib ilm is bare mein kuch aur kehna chahte hain. miss aisha pointed the student sitting at the end aur is tarah jo last mein jo kone mein ek student baitha hota hai us taraf miss aisha ne aakhir mein baithe hue talib ilm ki taraf ishara karte hue. okay so she pointed out a student who is sitting in the last of the class. she pointed out that student. okay student 5 so he started to say something. madam I am in my opinion mere khayal mein according to my perception. hum kehte hain na jab aap class mein bol rahe sir aap keh rahe sir according to my perception according to my view according to my opinion. okay media plays a very constructive role for society. constructive ka word sentence used mein bhi hai constructive role. bahut tamirati kirdar. theek hai constructive means tamirati kirdar. yaha iska matlab hai ye constructive ka matlab hum keh sakte ke tamir kirdar ka matlab hai na very positive role very productive role beneficial helpful useful. okay सो ये कहता है कि मीडिया हमारे माशरे के लिए एक बहुत तामीराती किरदार अदा करता है. यानी इट मीन वी कैन से दैट मीडिया प्लेज अ वेरी यूजफुल पॉजिटिव रोल इन आवर सोसाइटी. फॉर एग्जांपल कैसे इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मेनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन टेररिज्म ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके ये बहुत से समाजी मसाइल जैसा कि बदनवानी दहशतगर्दी मुंशियात किल्लत और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में बेदारी पैदा करते हैं. ओके व्हाट इज दिस इज दिस इज वन ऑफ द मेन फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म. ओके दैट मीडिया परफॉर्म कहता है कि ये जनाब अवेयरनेस कहते हैं आगाही को. ओके अंडरस्टैंड नॉलेज को. इस तरह सोशल इशूज माशरती मसाइल ठीक है करप्शन तो आप लोग जानते हैं
टेररिज्म दहशतगर्दी ड्रग एडिक्शन के बारे में और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जहाँ भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है ओके पामाल हो रहे हैं सो वहाँ मीडिया उसके बारे में रेस्ट आप देखते हैं ना जहाँ भी कोई हमारे मुल्क में कोई जुल्म हो रहा है सो मीडिया हमें उसके बारे में बताते हैं और गवर्नमेंट को फिर क्रिटिसाइज किया जाता है इस तरह एक आवाज़ बन जाती है ओके सो वी कैन से दैट इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड अबाउट सोशल इशूज सो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन यानि डिसहनेस्टी यूज ऑफ ड्रग्स एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूज या ह्यूमन राइट वायलेशन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में बेदारी पैदा करते हैं ओके टीचर येस यू आर राइट कहते यू आर एब्सोल्युटली राइट ओके व्हाट यू हैव सेड यू आर राइट आप बिल्कुल ट्रूथ फरमा रहे ओके स्टूडेंट नंबर सिक्स मीडिया हैज आल्सो बिकम अ माउथपीस ऑफ द डाउन ट्रोडन यस दिस वन बेटर डाउन ट्रोडन का मतलब है वही लोग मजबूर मजलूम लोग जिस पे जुल्म किया जाता है उसको हम कहते हैं डाउन ट्रोडन ओके यानी अप्रेस्ड या जो मजबूर लोग है जिस पे जुल्म किया जाता है ओके माउथपीस का मतलब है बेटा माउथपीस वी कैन से दैट अ माउथपीस इधर मुंह का टुकड़े का मतलब ये नहीं है यानी इसकी तर्जुमान बन चुके हैं इसकी जो लेटरल मीनिंग तो कुछ और बनती है बट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखे कहते हैं कि मीडिया मजलूमों की मुंह की आवाज भी आवाज बन चुकी है क्यों कि फॉर एग्जांपल मीडिया स्पीक्स फॉर दोज पीपल हु आर अप्रेस्ड इन द सोसाइटी हु आर टॉर्चर्ड इन द सोसाइटी जिस पे जुल्म किया जाता है मीडिया उसके बारे में उसके लिए एक आवाज बन चुकी है ठीक है टीचर यस वेल सेड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से यस एक मिनट कासिम यस कासिम सर ड्राउन स्टूडेंट्स का मतलब मुजालिम मजलूम 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 जिस पे जुल्म किया जाता है उस लोगों को हम डाउन ट्रोडन कहते हैं ओके ओके सर हाँ यस इसका मतलब है लोग वही लोग जिस पे जुल्म किया जाता है ओके और कोई क्वेश्चन यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया सो यू कैन आस्क मी रेज योर हैंड यू कैन आस्क मी नो सर ओके Teacher, well said. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. Student कह रहे हैं कि जनाब ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है? What that media the most vigilant institution. Vigilant का मतलब है बहुत ज़्यादा मोहतात. विजिलेंट का मतलब है जनाब जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा वॉचफुल हो अलर्टफुल हो ओके जिस पे हर टाइम निगाह रहते इंस्टीट्यूशन एक इदारा है दैट कीप्स जो कि रखती है एन आई एक मतलब इसका मतलब है ना कि ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी सोसाइटी की हर पहलों पे ठीक है हिस्सा पे सेक्शन पार्ट सेक्टर पे ओके सो इट मीन दैट मीडिया एक बहुत चौकस इदारा है जो कि माशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है समझ आ गई यहाँ तक कि द टीचर सेज दैट मीडिया इज द स्पोकस पर्सन ऑफ द अप्रेस पीपल एंड वी कैन से दैट मीडिया इज अ वेरी वॉचफुल ऑर्गेनाइजेशन इट keeps an eye on every section of society society ki har segment pe har pehlu pe nazar rakhti hai media ek bahut vigilant institution hai aap dekhte hain na media wala bahut zyada bedar hote hain jahan bhi koi event hota hai so media reach their yes Kasim sir iska matlab alert idara hai na alert idara hai chokas bilkul bedar idara hai okay Yes, sir. Okay, so now next one. Through debates,
रिपोर्ट्स इन टॉक शोज इट मेक्स एवरीवन अनसर्वेबल इन अकाउंटेबल। आप डिफरेंट टॉक शोज देखते हैं, डिफरेंट मीडिया चैनल पर डिफरेंट टॉक शोज हो रहे हैं, हमिद मीर की, शाहजेब खानजादा की, इस तरह सलीम साफी की, डिफरेंट जो हमारे पास जो एंकर्स पर्सन है आप देख रहे हैं ना, रात को बैठ के प्रोग्राम करते हैं और एक पॉलिटिशियन को बुला के एक चीज़ का पूछते हैं, जहाँ भी पॉलिटिशियन जाते हैं मीडिया वाला उसके पीछे होते हैं। ओके सो और मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। एक एक डेमोक्रेसी में, एक जमहूरियत में, सबसे जमहूरियत देखे ना, एक होता है डेमोक्रेसी, एक होता है डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी जो होती है उसमें मीडिया आज़ाद होती है, मीडिया एक ऐसा इदारा है जिस पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। ओके इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। लेकिन ना एक मुल्क की जितने भी पिलर्स होते हैं, सतून, सतून क्या हो जिस पे मुल्क खड़ा होता है, उसके मीडिया तीन सतून और एक चौथी जो सतून है दैट इज़ मीडिया। इट मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर सोसाइटी। सो एक खुद मुख्तार, एक आज़ाद इदारा है, ठीक है। सो कह रहे हैं कि डिफरेंट थ्रू डिबेट्स रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज इट मेक्स एवरीवन अनसर्वेबल एंड अकाउंटेबल। ओके कहते हैं कि डिफरेंट डिबेट्स के जरिए, रिपोर्ट और टॉक शोज के जरिए हर फर्द को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाया दिया जाता है। जनाब उसका मतलब है ये अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब है जवाबदेह। यानी हम कहते हैं कि पॉलिटिशियन जो है या प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदालत को जवाबदेह है, अकाउंटेबल। प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू दिस कोर्ट, ओके सुप्रीम कोर्ट। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह और अकाउंटेबल, समझ आ गई। आंसरेबल, अकाउंटेबल, जिम्मेदार, जिससे पूछा जाता है। ओके सो ये कह रहे हैं के जरिए हर फर्द को जवाबदेह और जिम्मेदार बना दिया गया है। ओके इट मीन डेट बाय डिबेट्स, बाय टॉक शोज, बाय डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन टीवी शो, इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल टू पब्लिक। हर ये मीडिया का काम क्या होता है, हर एक को आंसरेबल बनाता है लोगों को। इट वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम ऑफ द डिस्कशन। ओके सॉरी, नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम ऑफ द डिस्कशन। अभी काफ़ी टाइम हो गया डिस्कशन का, सो टीचर पूछते कि अभी मैं आप में से किसी एक को यानी इनवाइट करता हूँ। इट मीन आई वुड लाइक एनी वन टू कंक्लूड टू समराइज दिस डिस्कशन, टू समराइज दिस डिस्कशन और दिस डिबेट। ठीक है सो स्टूडेंट वन से नाउ देयर स्टूडेंट से आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज अ करेक्टिव इंपैक्ट इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। तो स्टूडेंट कह रहा है कि आई वुड कंक्लूड, मैं इस तरह के कंक्लूड करूंगा द डिस्कशन, इस डिस्कशन को बाय सेइंग, कहते हुए दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, कि मीडिया एक बहुत अहम किरदार, एक पॉजिटिव किरदार अदा सकती है। ओके कर सकती है। ओके पॉजिटिव रोल मीन बहुत पॉजिटिव एंड अ करेक्टिव इम्पेक्ट ऑन करेक्टिव इम्पेक्ट। करेक्टिव का मतलब है इस्लाही। ओके इस्लाही जो इस्लाह करते हैं, इम्पेक्ट मीन असर। ओके यह हमारे पास जो करेक्टिव कवर्ड है बेटे, इसका मतलब है इस्लाही, बहुत अहम किरदार। चलो किरदेश स्टूडेंट कह रहे हैं कि मीडिया अगर ईमानदारी से काम करे, इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली, लास्ट सेंटेंस को देखे, इफ इट वर्क्स, अगर मीडिया ईमानदारी से अपना किरदार अदा करे, सो इट कैन प्ले, ये अदा कर सकते अ पॉजिटिव रोल, एक मस्बत किरदार, इन हैज करेक्टिव इम्पेक्ट और इस्लाही असरात मुरतब कर सकता है। सो इट मीन इफ मीडिया वर्क्स ऑनेस्टली इट कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल इन आवर सोसाइटी। मीडिया का काम, टीचर गुड कंक्लूजन, कहते अच्छा कंक्लूजन, अच्छा इख्तिताम। कंक्लूजन क्या होता है, इख्तिताम होता है चीज़ को कंक्लूड करना, समराइज करना। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, कहते मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सारों ने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। पार्टिसिपेशन का मतलब है टेक्स पार्ट, पार्टिसिपेशन इन टेक्स पार्ट। ओके टेक्स पार्ट, I am so happy that every one of you takes part in this, took part in this discussion. Okay?
सो शी वी कैन से दैट शी द टीचर मिस आयशा शी एक्सप्रेसेस हर हैप्पीनेस दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव टेकन पार्ट इन दिस डिस्कशन एंड शेयर देयर व्यूज अबाउट दिस टॉपिक. ओके एंड हैव एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल. और इस डिस्कशन में इस बात में हिस्से ले और अपने नुक्ता नजर अच्छे अंदाज में पेश किया. ओके देन देखे ना काम में द बेल रिंग्स घंटी जो है ना बजती है. मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड शी लीव्स द क्लास. सो फाइनली दे फिनिश देयर क्लास दे फिनिश दे स्टॉप देयर डिस्कशन. दिस टाइम वी कैन से दैट शफीक साहब और दूसरा क्या नाम है ही कम्स एंड ही शौकत शौकत अंकल ही कम्स एंड ही बेल द रिंग्स एंड फाइनली योर इंग्लिश टीचर सेज गुड बाई टू हिज क्लास एंड ही लीव्स. ओके एंड देन अनदर टीचर कम्स टू क्लास. सो एक किस्म की स्कूल में क्लासेस हो रही थी. सो स्टूडेंट इट वॉज ऑल अबाउट मीडिया. ओके इट वॉज ऑल अबाउट मीडिया. सो अगर हम इस लेसन को अगर हम समराइज करें. ओके सो इस लेसन में हमारे पास क्या था बेटा दैट वी कैन से इट वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ मीडिया इट्स इम्पैक्ट इन सोसाइटी. ओके व्हाट आर द मेन फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म व्हाट आर द टू मेन मीडियम कम्युनिकेशन. सो वी कैन से दैट मीडिया इज अ पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन. वी कैन से दैट इट गिव्स अस न्यूज एंड व्यूज इंफॉर्मेशन. इट इज थ्रू मीडिया मीडिया के जरिए दैट पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू विदाउट एनी हेजिटेशन फ्रीली. ओके दैट इज वाई वी कैन से दैट पीपल अट्रैक्टेड टू इट. लेकिन हर कोई एवरी वन इन दिस सोसाइटी वॉच डिफरेंट टीवी चैनल मीडिया. ओके ये आपके पास जो सोशल मीडिया है ट्विटर दीज आर ऑल द डिफरेंट काइंड टाइप्स ऑफ मीडिया. और इसके अलावा मालूमात के अलावा यानी बिसाइड शेयरिंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन इट ऑल्सो एंटरटेन अस. इट गिव्स अस एंटरटेनमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट टॉक शोज मेनी थिंग्स. ओके कासिम जस्ट अ मिनट. ओके विथ मैनी जॉयफुल इन थ्रिलिंग प्रोग्राम जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं ठीक है एंटरटेनमेंट भी दे सकते हैं. ओके वी कैन आल्सो मीडिया हैज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. वो मैं भी आप लोगों को समझाया. ओके एंड वी कैन से दैट थ्रू मीडिया इट इज थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज नाउअडेज. ओके एंड इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स व्हिच आर हैपनिंग व्हिच हैपेंस इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. वी कैन से थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे अक्रॉस द डीप ओशन. ओके एनी वेदर इट इज इन सब कॉन्टिनेंट अमेरिका कैनेडा और यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज वी कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी इवेंट थ्रू मीडिया. ओके सो स्टूडेंट ये किस्म की स्पीकिंग क्लास के लिए भी एक बहुत जबरदस्त डिस्कशन है. ओके सो इट वॉज ऑल अबाउट मीडिया. अभी अगर आप इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा यूनिट्स के जो एक्सरसाइज है. वी विल स्टडी डेट टुमारो. ओके नाउ लेट मी टू आंसर यार फिर आज की डायरी क्या है लेट मी जस्ट अ मिनट लेट मी टेक योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन. यस कासिम कहाँ है आपने रेज. यस कासिम इधर का What is the meaning of eager? Eager का मतलब यस है सर शौक से बेताबी से. जब आप किसी चीज में क्लास काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमको इसको कहते हैं ईगर. हम कहते हैं विलिंगली इंथुजियास्टिकली ईगरली. और ये फिर हमारे पास क्या है ईगरली इंथुजियास्टिकली ये सारे हमारे पास एडवर्ब है. ओके ये एडवर्ब है और ईगर इंथुजियास्टिक पर एडजेक्टिव है. ओके वो एडजेक्टिव है. हाउ टू मेक एडजेक्टिव एक वर्ड से हमारे पास एक सिंगल वर्ड से एडजेक्टिव किस तरह बन सकता है और बाकी और फिर मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगा. यस ये बात व्हाट आर नेगेटिव इन्फ्लुएंस नेगेटिव मतलब क्या नेगेटिव मनफी असरात
इन्फ्लुएंस यस सर, असरात को कहते हैं ना, इंपैक्ट को, इन्फ्लुएंस को नहीं हो रहा, इंपैक्ट असरात मैं एम्यूज व्हाट एम्यूज क्या दोबारा बताएं ए एम यू एस ई एम्यूज अम्यूज ये कहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्लोसरी अच्छा ग्लोसरी में ग्लोसरी से आप बता रहे ग्लोसरी एक मिनट में बुक खोल दो ग्लोसरी में तो इम्पैक्ट ईगर गियर्ड अप है एक हमारे पास और एक है इंटीग्रल और एक है एंटरटेन ओके अच्छा अम्यूज अम्यूज का मतलब है अम्यूजमेंट क्या होता है अम्यूज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट तफरी पर सब ब्लेसिंग ब्लेसिंग तो कहते हैं ब्लेसिंग हमारे पास दो किस्म की एक है हम कहते हैं ब्लेसिंग ऑफ गॉड ब्लेसिंग यानी हम कहते हैं रहम को ब्लेसिंग और एक ब्लेस आई डबल एस और एक बी एल ई डबल एस बी एल ई डबल एस वाला जो ब्लेस है उस हम कहते हैं रहम को कर्म को हम कहते हैं ब्लेसिंग ऑफ गॉड और एक बी एल आई डबल एस वाला उस वो हम खुशी को कहते हैं खुशी खुशी को ओके सर Yes, Ehsan. Okay, sir. और आपकी डायरी क्या है? डायरी ये है कि आप लोग इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग याद करें, ओके? और सर कैटलॉग कैटलॉग यस सर कौन सा कैटलॉग ये कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा सर सर पे 25 के एंड पे 25 के एंड पे हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड क्वाड कैटलॉग साइज में है यस सर क्वेश्चन आंसर के लिए कौन सा पार्ट है See. For the teacher, help student understand card catalog. ये तो this is all about group activities. ये तो group activities के बारे में सारी class में group activities हो रही है उसके बारे में इसमें different ways of techniques होते हैं teaching के शायद ये एक हमारे पास understand card catalog कोई technique होगा वो use कर रहे class में कोई और क्वेश्चन किसी और बेटा का बेटा बताएं ये सर ये कैन आस्क योर क्वेश्चन आसिम म्यू म्यू यस एनी अदर टीच स्टूडेंट यस बेटा जैन ताहिर कमर इस्लाम सेफ वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग हमाद एहसन शहजाद अब्दुर्राफे मोहम्मद एहसन असनैन डू यू हैव एनी क्वेश्चन इबाद यू केम टू क्लास लेट हमीर रमजान यस हमीर रमजान हाउ आर यू